एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब भी अपने घर पर ठीक से होंगे। और आज की सुबह होगी वो होगी मेरी दीदी के घर पे। और मैं दीदी के घर आ गई थी रात को, अचानक से प्लान बन गया और दीदी के घर आ गए। और बच्चे बेविन ये है, बेविन आ जाओ माँ, कम कम। और दीदी नहाने गई हुई है मेरी, और सुमित और जीजा जी बाहर बातें कर रहे हैं। आ जाओ। और परी को फ़ोन मिल गया है, ये देखिए, ये देखो। और क्या नाम है उसका, दिवांशु ये लगा हुआ अपने फ़ोन पे, कहाँ गया ये रहा। और कनु नहीं है, कनु है अपने कॉलेज, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है जिस वजह से वो आ नहीं पाया, तो मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। तो अभी हम जाएंगे आज बाबा बालकनाथ, क्योंकि वहाँ पे बाबा बालकनाथ यहाँ से पास में है, तो सोचा कि बाबा बालकनाथ ये जय करेंगे हम, तो हम वहीं हैं, तो वहीं जाएंगे हम लोग चेक करने, मतलब बाबा जी का आशीर्वाद लेने। तो चलिए, अभी मौसम बहुत ख़राब है, मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये बाहर का देखो, बादल कितने मतलब अच्छाए हुए हैं यहाँ पे, मौसम इतना ख़राब हो गया है ना, बारिश वाला मौसम आ गया है। और ये बेविन जो है बहुत परेशान कर रहा है, ये बाहर बार बार बाहर जा रहा है। और क्योंकि ये जीजा जी और ये सुमित वहीं खड़े हैं ना बाहर, तो ये बाहर तंग कर रहा है, तो ये कह रहा है मुझे बाहर जाना है। तो इतनी ज़्यादा मतलब ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये पहाड़ी जो दिख रही है आपको, इतना अच्छा व्यू है ना यहाँ से, सुबह उठते ही ये पहाड़ियाँ दिखती है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, तो फील बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अभी ये है, ये बिंदु है, ये भी एक फैमिली मेम्बर है घर का। तो अभी बस बहुत देखो, ये मंदिर है जैसे मैंने जूम करके दिखाया आपको, तो ये मंदिर है। तो बस ऐसे ही अभी हम आज लोग जैसे आपको बता रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी बिंदु है ना, ये मेरी दीदी के लिए बहुत रोती है। और देखो दीदी जा रही है, चल दीदी निकल दीदी, तो ये रोएगी ये पर ही। चल मेरे मिस्टर बेविन ने ओ दे तो इसको ना पता चल गया कि अब ये जा रही है, मम्मी के लिए रोती है ये। वो देखो रेडी हो रही ना, दुपट्टा वगैरह ले रही दीदी, तो उसको पता चल गया कि दीदी जा रही है। चलो मेरा पर्स देखो, पे पर्स तेरा, वो देखो ओ देखो कैसे रो रही है परी, देख कैसे रो रही है, देख ओ बिंडू बाय बिंदू। ओ देख माँ, चलो चलो चलते हैं, देख तू परी कैसे रोएगी, देख दीदी के लिए कैसे रो रही, चलो चलो चलो। देखो दीदी जा रही है ना, तो भी रो रही। ओ दे ठीक है जीजा जी, ठीक है जीजा बाबे दी, बोल जा बाबे दी, आए नहीं और रोंदी भी किन्नी। बेविन और पापा, ओ देखो उसके वो जा रहे हैं, कहाँ गए दिख रहे होंगे आपको। चलो सच्चे दरबार की जय। तो हम निकल पड़े हैं बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने। बेविन भी बैठ गया है, दीदी भी बैठ गई थी, छुपके बैठी है जैसे मम्मी बैठती थी ना मेरे वैसे बैठी है छुपके। और परी भी जीजा जी घर पे है, क्योंकि वो आपको ने देखा ही है ना और क्या बोलते हैं उसको, दीदी इसलिए आ गई है और जीजा जी इसलिए नहीं आए, क्योंकि जो बिंदू आपने देखा है कितना रो रही है दीदी के लिए, तो हमने जीजा जी को घर पे उसकी उसका ध्यान रखने के लिए छोड़ दिया जीजा जी को। तो अभी बेविन की हो गई तबीयत खराब थोड़ी सी तो चलिए दोस्तों अभी वहीं मिलते हैं बाबा बालकनाथ के दरबार में। तो हम लोग पहुंच गए शारतलाई, जैसे कि अभी एरोज देख रहे हैं, इस तरफ हम लोग लेफ्ट राइट साइड जाएंगे। तो ये है वो प्राचीन मंदिर जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी ये सब कुछ। तो ये है प्राचीन मंदिर सिद्ध बाबा बालकनाथ का, और जो कितना रश है यहाँ पे। तो ये है मंदिर, प्राचीन मंदिर, साइड पे चलो, गीला है ना यहाँ पे। तो हम आ गए शातलाई में, ये है बाबा बालकनाथ, क्या है 12 साल की इनकी रोटियाँ लस्सी, और यहाँ पे वो करते थे क्या बोलते हैं वो, मगन हो जाते हैं जो
तपस्या तपस्या करते थे। तो ये है जय बाबे जी। ये बाबा जी का धूना, बाबा जी का त्रिशूल, तपस्या करते थे ये, यहाँ बैठ के बाबा जी तपस्या करते थे। बड़ वृक्ष, वृक्ष की कहते हैं ना, बड़ वृक्ष। तो लोगों ने देखो मनते रखी हुई है अपनी। जय बाबे दी, जय बाबे दी, जय। छोटा सा ही बाबा बालकनाथ जी का बना दिया ये। शिव भोलेनाथ जी। तो ये है गुग्गा, जहाँ पीर गुग्गा जी। ये गुग्गा जी, जी गुग्गा, ये गुग्गा जी है बेटा, ये देखो जो मतलब स्नेक के महाराज जी, गुरु जी। ये है जय माँ काली माता, काली माता। आज हैंड ज्वाइन करो हैंड्स। ये अलग से बनाया रोटियों वाला स्थान, देखो पर यहाँ पे रोटियां रखी थी 12 साल। ये देखो रोटियां, ये रत्नो माता, ये देखो ये रोटियां रखी हुई है, ये देखो सारी रोटी खा ले, आप कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगी, खाऊंगा। तो ये वो है, ये 12 साल की रोटियां देखो उन्होंने पेड़ के अंदर छुपा के रखी थी, 12 साल की रोटियां। ये है बाबा बालकनाथ की कहानी। तो ये है बाबा बालकनाथ, ये बोल रहे थे ना, ये रत्नो माता है, ये बाबा बालकनाथ जी है, और ये है पेड़ बड़। तो चलिए अब आगे भी दिखाती हूँ मैं आपको, दर्शन करवाती हूँ। ये भी सारा वो देखो पेड़, ये पीपल का पेड़ है ये तो। जय हो। ये शिवलिंग, ओम नमः शिवाय, शिवलिंग का मंदिर है सारा। लस्सी वाला स्थान, ये लस्सी वाला स्थान है ये, ये लिखा हुआ ना लस्सी वाला स्थान। कहाँ लस्सी रखी जाती थी? ये नीचे है दीदी, ये लस्सी वाला स्थान है, लस्सी इतने रखी जाती थी, लिखा था लस्सी वाला स्थान। चलो आ जाओ। तो ये है हनुमान जी, हनुमान जी है, माता रानी की फोटो है, काली माता है, काली माता, शेरावली माता, हनुमान जी, और ये नंदू, ये बाबा बालकनाथ, आरती है सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की, हम जय कलार, सारी आरती दी गई है। ये सारा लस्सी वाला स्थान है यहाँ पे, अब मुझे खुद भी दिखाएं यहाँ पे, देख अंदर ही अंदर है बेटा, वो अंदर से दिखेगा नहीं यहाँ से। अरे भक्त जनों की नैया भक्त से पार करे, बालक उम्र सुहानी, नाम बाबा बालकनाथ, वह शंकर से सुनकर अमर रहता, शीश पे बाल सुनहरी गाल, रुद्राक्षी माला, हाथ में झोली चिमटा, आसन मृगशाला, सुंदर देवी थी। बाबा त्रिशूल, ये बाबा जी का त्रिशूल देखो कितना बड़ा है, जो सोफा है बाबा जी वहीं बैठते थे, फिर वो करते थे रेस्ट करते थे। तो जोत जग रही है, ये है हमारे बाबा बालकनाथ जी, जय पौना हारी बाबा जी, आशीर्वाद दो, दुख सप्ताह भला करो। ये भी बाबा बालकनाथ जी, ये तूना है, बाबा जी हवन वगैरह करते थे यहाँ पे। तो ये देखो कृष्ण जी, ये राधा कृष्ण। वैसे दोस्तों आपने देखा कि हम शातलाई में थे, जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी तपस्या और अपने वो 12 साल की रोटियाँ वो जैसे वो पेड़ के अंदर छुपा के रखते थे, तो वो मैंने अभी आपको दिखाया। और अभी ये जो जो दिखाया ना अभी, तो ये सारा है जगह शातलाई। और अब हम जा रहे हैं द्योड़ सिद्ध। द्योड़ सिद्ध में बाबा जी मतलब गुफा के अंदर कहाँ समा गए, कहाँ खो गए पता नहीं है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे द्योड़ सिद्ध, तो वहाँ पे अलोप हो गए, हाँ मतलब अलोप हो गए, मतलब खो गए, गुम हो गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। द्योड़ सिद्ध जो है वो है 4 किलोमीटर। तो अभी हम निकल गए हैं द्योड़ सिद्ध के लिए, जहाँ पे बाबा जी की गुफा है, दिखाऊंगी मैं आपको। बाबा बालकनाथ द्योड़ सिद्ध पहुंच गए हैं, गुफा के आसपास ही, और अभी हम गाड़ी पार्क करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो रश इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, क्योंकि जैसे कि किसानों का वो लगा हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको, आंदोलन चला हुआ है वो,
प्रोटेस्ट क्या बोलते प्रोटेस्ट हैं उसको? प्रोटेस्ट चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा रश कम है। बस यहाँ से हम पार्क करेंगे पीछे से और फिर मैं आपको बाबा बालकनाथ जी की गुफा दिखाऊंगी। बाबा जी के रोड, तो अभी हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे अपने जूते उतारेंगे। देखो रोड कैसे बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, कैसे तले जा रहे हैं रोड। तो अभी हम लोग यहाँ पे शूज उतार देंगे और उसके बाद प्रसाद लेंगे। ये देखो कैसे बनाए जा रहे हैं रोड। तो ये लगा रहे हैं टिक्का, ये देखो। अरे दिखाना मुझे फिर कैसे लगाया। ये पौना हरे बाबा जी का लगा त्रिशूल। बैविन चलेंगे आगे और लेडीज की लाइन अलग है और लिखा हुआ है ना पुरुष प्रसाद दे दीदी। ऊपर ले लेना, ऊपर जाके ले लेना। हाँ चलिए दोस्तों, हम लाइन देख रहे हैं कि रश इतना भी नहीं है, बट ठीक है इतना रश तो होना भी चाहिए मंदिर में। तो यहाँ देखो थोड़ा सा, कोई गाल नहीं होना, कुछ दिया मैं तो। चलिए अभी मैं बैविन सुमित के पास है तो मैं उनसे ले लेती हूँ। कहाँ है पापा? नीचे है ना। चलो भाई जी पापा। तो ये है गुफा जहाँ पे लेडीज का जाना बिल्कुल सख्त मना है। तो अभी मैं आपको सामने से, वो है ना वहाँ, तो वहाँ से मैं आपको दर्शन करवाऊंगी। तो ये है वो गुफा जहाँ, जिस गुफा की मैं बात कर रही थी। तो पहले नीचे से जाते थे, अब शायद नीचे से नहीं जाते हैं। तो सुमित को दे दिया मैंने, बैबिन को। वो देखो सुमित वो जा रहे हैं। तो ये है वो गुफा, जय बाबे दी। इस गुफा के अंदर ही ना, मतलब वो हो गए थे, अलोप हो गए थे, खो गए थे इसके अंदर। वो है बाबा। घर वापस। तो दोस्तों बाबा बालकनाथ के हो गए दर्शन और आप लोगों को भी मैंने करवा दिए हैं। तो अभी अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो जय बाबे दी।